पास जो है काउंटिंग के लिए ईसीआई ने ऑलरेडी इसको नोटिफाई कर दिया है। 10 जो है हमारे ईवीएम टेबल्स काउंटिंग टेबल्स रहेंगे, 4 जो है पोस्टल बैलेट के लिए और 1 ही टीपीपीएस के लिए टेबल रहेगा। सर टोटल मिला कितने कर्मचारी हमारे यहाँ पे तैनात होंगे? अभी कर्मचारी हमारे लगभग जो जैसे अगर मैं बात करूँ तो सारे जो हैं काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग जो असिस्टेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट से अलॉट होंगे, तो करीब 50-60 जो हैं वो लोग हमारे पास आज जो हैं वो सेकंड रैंडमाइजेशन हो गई है, कल तक हमारे पास 50-60 लोग जो हैं वो आ जाएंगे। प्लस हमारे जो कुछ कर्मचारी और अधिकारी जैसे ARO जो हैं वो 5 हैं और हमारी टीम्स हैं TPVS को लेके जो कि हमें सेटअप करनी थी वो हमने कर दी। राउंड लगभग हमारे पास 117 पोलिंग सेशन हैं जिसमें कि 12 राउंड के करीब हमारे EVM काउंटिंग होगी। सुरक्षा के हिसाब से सर क्या किया? सुरक्षा के हिसाब से हमारे 3 टायर जो है कॉर्डन जो है वो सेटअप कर दिए गए हैं, जिसमें कि पहले कॉर्डन में जो है वो स्टेट पुलिस रहती है, दूसरे कॉर्डन में हमारा स्टेट आर्म पुलिस रहती है जो कि फ्रिस्किंग भी करेगी, किसी को भी मोबाइल जो है वहाँ पे अलाउ नहीं होगा और कोई भी जो मतगणना से एसोसिएटेड या मतगणना में इन्वॉल्व कहीं नहीं है कर्मचारी अधिकारी या कोई भी आम व्यक्ति वो वहाँ तक अलाउ नहीं रहेगा। सिर्फ जो कर्मचारी अधिकारी मतगणना के लिए मतगणना से जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ही अंदर अनुमति है, प्लस मोबाइल उनको भी अलाउ नहीं रहेगा। हर राउंड का जो है वो जितने टेबुलेशन होगा वो क्यूमुलेटिव जितना भी टोटल काउंट होगा वो हम लोग हमने स्क्रीनें लगा दी गई हैं, हमने जो PA सिस्टम है या लाउड स्पीकर्स हैं वो सारे इंस्टॉल कर दिए गए हैं और मीडिया सेंटर भी सेटअप कर दिया गया है मीडिया के माध्यम से भी, और मैं मतलब जो ARO होता है वो भी अनाउंस करेगा लास्ट में जितने किस किस कैंडिडेट को राउंड वाइज जो है क्यूमुलेटिव हम लोग अनाउंस करेंगे। देखिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पहले पार्किंग के बारे में बताऊँ तो पार्किंग जो है वो हम लोगों ने 100 मीटर जो है जो हमारा मतगणना से या काउंटिंग सेंटर है उससे बियॉन्ड जो है हम लोगों ने 100 मीटर पेडेस्ट्रियन जोन सेटअप किया हुआ है, उसके इर्द गिर्द कोई भी वाहन नहीं आना दिया जाएगा जो काउंटिंग को लेके हो, वही जो काउंटिंग से रिलेटेड हो या काउंटिंग से में जो इन्वॉल्व है वही अधिकारी या कर्मचारी जो है वहाँ तक आने दिया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो मिनी सेक्टेट की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ तक वाहन वर्जित रहे, वहाँ से वाहन जो है अंदर तक वर्जित रहेगा, तो कोई भी जनता जो है अंदर तक पार्किंग अलाउ नहीं है।